मैं एन पार्टिकल के अंदर जा रहा हूं और एन पार्टिकल के अंदर जस्ट आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरे को दो चीजें अवेलेबल है, एमिट में क्रिएट एमिटर और यहाँ पे भी है, दिख रहा है क्रिएट एमिटर, दो दो एमिटर है। ये मेरा ओल्ड है लेगेसी और ये जो है एमिटर मेरा ना न्यू वर्जन है, ये मेरा बेसिकली एन पार्टिकल का है। इसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि मुझे ओल्ड मेथड भी लगेगा तो मैं उसमें भी यूज़ करता हूँ। तो हम लोग दोनों देखने वाले हैं, तो मैं अभी जस्ट क्रिएट एमिटर के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे एमिट में, यहाँ पे मेरा एन पार्टिकल एमिट करेगा। लेकिन मुझे किस तरह का बेसिकली पार्टिकल एमिट करना है तो यहाँ पे मेरा क्रिएट ऑप्शन है, मुझे यहाँ पे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स में एमिट कर सकता हूँ, पॉइंट, बॉल, क्लाउड, थिक क्लाउड, वाटर। आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को उन्होंने इनिशियल पॉइंट दिया है, बाद में भी आप लोग जाके चेंज कर सकते हो। ओके, तो लेट्स से सपोज मुझे क्लाउड पसंद है, या तो मुझे क्लाउड पसंद नहीं, मुझे क्लाउड का प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं क्लाउड ले लूँगा यहाँ से। तो मैंने क्लाउड पे क्लिक कर लिया है क्रिएट ऑप्शन में, यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने क्लाउड लिया हुआ है। और लेट्स से अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट एमिटर में और जस्ट जो भी है उसे मैं डिफ़ॉल्ट लेके और जस्ट सिर्फ क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्लाउड सिस्टम जनरेट होना शुरू हो चुका है। मेक श्योर कि प्लेबैक स्पीड आपका प्ले एवरी फ्रेम होगा फॉर डायनामिक वर्क के लिए। और जस्ट सिंपल, मैंने कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है, सिंपल जस्ट नॉर्मल एमिटर लिया है और मेरा पार्टिकल प्ले हो रहा है। और सपोज़ अगर ये मेरा एमिटर है और ये एमिटर को मुझे मूव करना है, एनिमेट करना है, सपोज़ यहाँ से मैं इसको सिंपल सेट की कर रहा हूँ शिफ्ट डब्लू और लेट्स से 35 भी नहीं, जस्ट 30 फ्रेम पे ही थोड़ा इसको मैं मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट डब्लू कर रहा हूँ और मिडल फ्रेम पे मैं इसे ऊपर ले रहा हूँ, बेसिक जैसे आप लोग बेसिक की फ्रेम एनिमेशन, जस्ट ऊपर से कोई चीज जस्ट फ्लो कर रही है, दिख रहा है सिंपल एनिमेशन। ओके, तो थोड़ा हम लोग इसमें देखते हैं, मेरा काफ़ी क्विकली मैंने ये एनिमेशन रेडी कर लिया। अभी मुझे इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करने हैं, मुझे पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना है, पार्टिकल के रेट इंक्रीज करना है, स्किल जो स्केल रेट बाय स्पीड है जस्ट मैं ये ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ और अभी प्ले करके देख रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा यहाँ पे मैं इसे वॉल्यूम दे दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे डेंस चाहिए वहाँ पे एरिया, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पार्टिकल्स एमिट करने की कोशिश करेगा वो, बेसिकली वो एरिया में पार्टिकल एमिट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं इसको लेस से मैं बोलता हूँ थोड़ा और 500, क्योंकि 30 फ्रेम में हर एक फ्रेम पे वो मेरा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो इस तरह से मैं पार्टिकल एमिट कर रहा हूँ यहाँ पे। और थोड़ा अगर नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे एमिटर के अंदर, यहाँ पे आई थिंक ये सब ठीक है मेरे लिए, मुझे इंस्टेड ऑफ क्यूब ना मुझे स्पीयर ले लेता हूँ छोटा सा, तो थोड़ा मुझे और अच्छे से पार्टिकल मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं एन पार्टिकल के अंदर आ रहा हूँ, अभी एन पार्टिकल के अंदर आके जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था लाइफ फॉरएवर की जगह, मैं ऐसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि लेस से कांस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यू पार्टिकल एंड होना चाहिए, तो रैंडम रेंज ले लेता हूँ और 1 और 0.8 के बीच में पार्टिकल शुड डाई। ओके, और पार्टिकल एंड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू पार्टिकल मूव हो रहा है, एमिट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी पार्टिकल एंड हो जाना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एमिटर है ना मेरा, कंटिन्यू पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रेम पे मुझे उससे भी स्टॉप करना पड़ेगा। तो अराउंड 30 के बाद में मेरा काम हो जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए पार्टिकल, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से 31 फ्रेम पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके मैं उसको सेट की कर दे रहा हूँ। और 32 फ्रेम पे क्या होगा, मुझे पार्टिकल नहीं चाहिए तो मैं कितना रखूँगा यहाँ पे इसे, 0, राइट, और सेट की कर दे रहा हूँ, हो गया मेरा पार्टिकल अभी इसके आगे एमिट नहीं होगा और उसकी लाइफ भी ख़त्म है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मेरा पार्टिकल। तो इस तरह से मैं, मुझे कोई भी फायर बॉल बनाना है ना, किसी को हिट कर रहा हूँ तो वो क्विकली मैं रेडी कर सकता हूँ। अभी इतना ड्रामेटिक नहीं है,
अभी ड्रामेटिक बनाते हैं धीरे धीरे उसको, देखते हैं और कैसे ड्रामेटिक बना सकते हैं, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो मैं पार्टिकल के अंदर आ रहा हूँ, तो फर्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है कि थोड़ा रेडियस तो हो, रेडियस नहीं है इसके अंदर, तो मैं 0.5 कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेडियस आ गया इसके अंदर, थोड़ा सा भी थोड़ा डेंस लग रहा है। जो एंड पॉइंट है ना इसका, ये मेरा एंड पॉइंट जो है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे एंड कर रहा हूँ इस तरह से, देख रहा है, मिड पॉइंट को थोड़ा सा और ऐसे खींच सकता हूँ, या तो एंड पॉइंट को पूरा एंड कर सकता हूँ, ऐसे पूरा ख़त्म हो जा रहा है वो ऐसे। तो ये मेरा रेडियस का मैंने ये कर लिया, स्केल अप कर लिया, उसमें मैं जो थोड़ा रेंडमाइजेशन चाहिए मैं कर सकता हूँ, बट रिक्वायर्ड नहीं है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जा रहा हूँ और जस्ट रेगुलर प्ले करके चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है काफ़ी ड्रामेटिक हो चुका है, अभी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया एकदम बेसिकली। ये मैं अगर गेमिंग के लिए जा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा होगा। और मैंने इनिशियली भी मैंने बोला था कि ये जो मेरा एन पार्टिकल है, इसमें मैं जो भी पार्टिकल यूज़ करूँगा ये ऑलमोस्ट थोड़ा कार्टूनिश रहेगा, इतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा कि हम, मैं जो बोल रहा हूँ ना प्रॉपर क्लाउड प्रॉपर फायर, ये हो सकता है इतना रियलिस्टिक ना हो, लेकिन जो फ्लूइड्स हम लोग आगे देखेंगे ना, ये जो कंटेनर होगा फ्लूइड्स का, इसमें हम लोग को रियलिस्टिक फायर स्मोक सब एकदम रियलिस्टिक मिलेगा। इसमें मेरा थोड़ा कार्टूनिस्टिक होगा, जो मैं मूवीज़ के लिए और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए और गेमिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ, जो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो दोनों रिक्वायर्ड हैं। तो अभी मैं एन पार्टिकल में जा रहा हूँ, हम लोग ने ऑलरेडी इसमें चेक किया है कि लेट्स से मुझे कलर, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ओपेसिटी भी थोड़ा एंड हो जाए इसका, धीरे 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 वो एंड हो जाए इससे, थोड़ा मैं ओपेसिटी को भी एंड कर रहा हूँ उसे। और कलर मुझे यहाँ पे फायर बॉल चाहिए, तो फायर बॉल के लिए जो मेरा कलर रहेगा बेसिकली, फायर में मेरा होगा रेड कलर, थोड़ा सा आई थिंक ऑरेंजेस भी ऐड कर सकता हूँ, तो रेड लेके थोड़ा सा ऑरेंज शेड डाल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ऐड कर ले रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा ब्लैक कलर, तो यहाँ पे मेरा डार्क ग्रे है, थोड़ा डार्क ग्रे करता हूँ। और यहाँ पे मेरा इनपुट मैक्स, थोड़ा कलर में वेरिएशंस डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एज है, यहाँ पे स्पीड और काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, स्पीड के हिसाब से चेंज होना चाहिए या व्हाटएवर, कलर रेंडमाइजेशन में आप लोग चेक कर लो। और पार्टिकल मुझे कितना डेंस चाहिए, ये आप लोग चेक करोगे कितना चाहिए कैसा चाहिए, कलर में कितना वेरिएशन चाहिए। और चेक करते हैं प्ले करके क्या हो रहा है। सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको जैसा भी चाहिए, आपको जो भी कलर चाहिए, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे उसको एक्टिवेट करो अकॉर्डिंग टू एज या नॉर्मलाइज्ड एज, उसका कलर रेंडमाइजेशन वैल्यू मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ, और इनपुट मैक्स चेक कर लो कैसा चाहिए, थोड़ा उसको और अलग वेरिएशन देना है, थोड़ा सा कार्टूनिश लुक रहेगा इसका। तो आपको कितना टून इफेक्ट जैसा अप्लाई करना है और कितना रियलिस्टिक जाना है वो आपके हाथ में है। और प्लस इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा इनकंडेंसेस ऐड करूँगा तो क्या होगा ना, इनकंडेंसेस बेसिकली ग्लो का काम करता है, तो कलर्स को वो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो इन्हांस कर देगा वो, लेकिन फाइनल रेंडर में दिखाई देगा, यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं समझेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, बट वो मेरा जो फाइनल आउटपुट है उसमें वो ज़्यादा क्लियर होके होता है। तो मैं अभी ट्राई करता हूँ कि 5, 6, 7 मैंने प्रेस किया है, शायद पूरा ब्लैक हो जाए, हाँ 6।
क्लियर है। और अभी मुझे इसके साथ में अभी ये जो आ रहा है अभी यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कुछ डायनामिक फील्ड ऐड करना है। तो जो भी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा सिंपल, आप लोग को एक्स्ट्रा एयर फील्ड अप्लाई करना है, जस्ट गो एंड अप्लाई। और इसे रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को, जो भी डिफॉल्ट है एटेनुएशन जीरो रखो, एयर फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है 20 किया, क्रिएट किया, चेक करो ये दिख रहा है ये काफ़ी स्पीड में उड़ जा रहा है यहाँ पे, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये। तो जस्ट मैं इसे थोड़ा 5 ही रख के चेक करता हूँ, ठीक है ये काफ़ी सोबर है। प्लस मुझे उसके साथ में थोड़ा सा टर्बुलेंस ऐड करना है, मैंने टर्बुलेंस ऐड किया एटेनुएशन जीरो, मैग्नीट्यूड का स्ट्रेंथ मैं बढ़ा दे रहा हूँ 25 और चेक कर रहे हैं दिख रहा है ये वेरिएशन। ये आप लोग के हाथ में कि आपके क्या सोच के कर रहे हो, कैसा इफेक्ट चाहिए आपको। ओके तो नेक्स्ट लेट्स से कि थोड़ा सा मैं उसके अंदर न्यूक्लियस में जा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील तो ऑलरेडी है उसके अंदर तो ही वो नीचे जा रहा है। लेट्स से मैं इसमें थोड़ा सा एयर डेंसिटी या तो विंड स्पीड में और इंक्रीज कर दे रहा हूँ 5। सर चैट बॉक्स में किसी ने अपना डाउट लिखा कि नेटवर्क बहुत पुअर है तो देख लीजिए। एक मिनट, हाँ बेसिक नेटवर्क प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, नॉट गेटिंग एनीथिंग अबाउट टुडे क्लास। सर आर यू रिकॉर्डिंग दिस सेशन? हाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा आफ्टर द सेशंस, मैं रिकॉर्डिंग ये कर दूंगा, नो इश्यू। ओके तो अगर जस्ट मैं इसे अभी प्ले करके चेक करूं तो बेसिकली आप लोगों को और काफ़ी वेरिएशन। तो आप लोगों को जस्ट सिंपल एक ऐसा आज के असाइनमेंट में आपको जस्ट एक बेसिक ऐसा खाली फायरबॉल बना के दिखाना है, ये एक असाइनमेंट होगा। सेकेंड असाइनमेंट आप लोगों का है, आप लोग को जस्ट ये नॉर्मल जो गैलेक्सी सिस्टम में जो हम लोग का रेगुलर जस्ट खाली स्टार्स स्टैटिक पार्टिकल्स रेडी करके आपको कैमरा मूव करके कैमरा एनिमेट करना है।